नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। गणतंत्र दिवस पर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर रणजीत सिंह चौटाला ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इसी के साथ उन्होंने प्रदेशवासियों को देश के नाम संदेश भी दिया। इस दौरान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट ने मार्च किया। साथ ही स्कूली बच्चों ने देश प्रेम से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुतियां पेश की। मुख्य अतिथि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने जिलावासियों को संदेश देते हुए कहा कि आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो हमारे अमर बलिदानियों और क्रांतिकारियों के कारण ही संभव है। उन्होंने कहा कि आज़ादी में अपना योगदान देने वाले अमर शहीदों और क्रांतिकारियों का उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि ऐसे देश का स्वप्न भी था जहां अशिक्षा, भूखमरी और आर्थिक विषमता जैसी गरीबी के लिए कोई स्थान न हो। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शासनकाल में किए गए कार्यों और योजनाओं के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवाई। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधु और प्यारे बच्चों, आज हम अपने राष्ट्र का 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस पावन पर्व पे मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और आप सभी के सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूँ। देश की सीमाओं पर डटे जवानों को भी मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और यहां उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पौराणिक और ऐतिहासिक शहर फतेहाबाद में तिरंगा फहराकर मुझे बड़े गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। फतेहाबाद का उल्लेख महर्षि पाणिनी की पुस्तक अष्टाध्याय में भी मिलता है। माना जाता है कि फिरोजशाह तुगलक के पुत्र फतेह खां के नाम पर इस शहर का नाम फतेहाबाद पड़ा। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने लगभग 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अनूठा और संविधान तैयार किया। इस अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूँ। भाई और बहनों, हमारे अमर शहीदों और क्रांतिकारियों का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना संजोया था जहाँ गरीबों, भूखमरी, आर्थिक विषमता और अशिक्षा के लिए कोई स्थान न हो। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन अवसर देश की उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ आत्मविश्लेषण करने का भी दिन है। आज़ादी के बाद राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन वह मुकाम हासिल करना अभी बाकी है जिसका सपना हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने देखा था।